मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में दिवाली के पांच दिन बाद मतदान होगा। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही फेज में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके 16 दिन बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। यानी मध्य प्रदेश में आज से 55वें दिन ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनेगी। एमपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 30 अक्टूबर तक नामांकन हो सकेंगे। नामांकन की जांच 31 अक्टूबर को होगी। 2 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही मध्य प्रदेश में सोमवार से आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी सिहोरा और बरगी विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं। जबलपुर जिले के सिहोरा के बघराजी में महिला महासम्मेलन और बरगी में आदिवासी सम्मेलन होना था। इंदौर से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब नागपुर तक चलेगी। सोमवार को पहले दिन ट्रेन इंदौर से सुबह 6:30 बजे रवाना हुई। मंगलवार से यह रोज सुबह 6:10 पर रवाना होकर दोपहर 2:30 पर नागपुर पहुंचेगी। वंदे भारत ट्रेन को इटारसी में भी स्टॉपेज दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी इंदौर में घोषणा की थी। इंदौर एक से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनुराग यादव ने कहा कि जो बात कैलाश विजयवर्गीय कहते आ रहे हैं वो बात अगर आम आदमी पार्टी ने कही होती तो हमारे नेता गिरफ्तार हो जाते। ईडी और सीबीआई की रेड उन पर पड़ती। वो खुलेआम जनता से मोल भाव कर रहे हैं, लोगों के वोट खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला अगर 4 से 5 साल जनता के बीच में रहते तो आज उन्हें कथा नहीं करानी पड़ती। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन विभाग हरकत में आ गया है। महाकाल मंदिर में राजनीतिक आधार पर होने वाली भस्म आरती अनुमति सोमवार दोपहर से बंद कर दी गई है। इनकी अनुमति अब ऑनलाइन में बढ़ाई है। आम भक्तों को ऑनलाइन अनुमति उपलब्ध हो सकेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।